दिल्ली नजफगढ़ के शिकारपुर गांव में विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत की तरफ से दुर्गाष्टमी और शस्त्र पूजन का प्रोग्राम आयोजित हुआ। जय जय श्री राम। भाई बात इसी से कि हमी जागरूक ना होगा तो आगे हमारी औलाद और बेकार हो जाएगी। इस प्रोग्राम में शिकारपुर गांव के मंदिर परिसर में महिला सशक्तिकरण व नारी नहीं है अबला जैसे विषयों पर चर्चा हुई। जी मैं एडवोकेट सुयशा हूँ द्वारका कोर्ट से और यहाँ पर आज शिकारपुर गांव के अंदर हम आए हुए हैं। यहाँ पर महिला सशक्तिकरण लेकर श्री श्याम मंदिर के अंदर कार्यक्रम था। कई महिलाओं ने इसके अंदर हिस्सा लिया और सबसे हर्ष का विषय ये है कि महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण को लेकर अपना समर्थन भी दिया और उन्होंने इस भाव प्रकट किए कि इसके अंदर उनको बढ़ चढ़ कर भूमिका निभानी है जिससे कि समाज की महिलाएँ अवेयर हो सके, जागृत हो सके और समाज के कल्याण के अंदर और समाज के अंदर जो रूढ़ियाँ हैं उसका वो विरोध भी कर सकें। दुर्गा पूजा का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। आज के दिन हर साल ये किया जाता है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा और मातृशक्ति दुर्गा वाणी के द्वारा। तो आज का ये कार्यक्रम दीदी के आने से बहुत बढ़िया रहा, हमें बहुत अच्छा लगा। इनका विचार जो इन्होंने बोला वो हमें बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत अच्छा लगा आज इस बैठ ने जितनी भी बातें हमें समझाई और हमारी बेटियों के लिए और बहुओं के लिए बहुत अच्छी बात कही। जय जय श्री राम। भाई बात इसी से कि हमी जागरूक ना होगा तो आगे हमारी औलाद और बेकार हो जाएगी। हम भी जागा औलाद ने भी जगावा, हम भी अपनी इज्जत बचानो सीखा, अपने बालका ने भी बचानो सिखावा, आगे बढ़ा। हम तो पीछे रह जाएंगे तो हमारी औलाद और भी पीछे रह जाएगी। हम भी सीखा और अपने बच्चा ने भी सिखावा अपनों बचाव करनो। और जो ये हमारा भाई लाग रहा है, हमारा बेटा लाग रहा है, उनकी मदद हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये बात है भाई। जय जय श्री राम। अब जैसे दिवाली पे हर घर में सफाई की जाती है, फिर कोई भी त्यौहार आता है तो किस लिए कि गंदगी दूर हो जाए। तो इसी तरीके से अगर हमारे समाज में कोई बुराई आई है तो उससे दूर करने के लिए हम सबको मिलके एक साथ काम करना पड़ेगा। अगर हम सब यही सोच लें कि अकेले के करने से क्या होता है तो ये सोच सबकी गलत है। एक अकेला ही कोशिश करेगा तभी एक से दो और दो से फिर पूरा समाज एक साथ बुराई के साथ लड़ पाएगा। ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिए किया गया है। किसी भी परिवार की मूल जो नींव होती है वो उस परिवार की जो माताएं बहनें होती है वे होती है, वो ही परिवार में संस्कार देती है बच्चों में और पढ़ाने का लिखाने का सब कुछ कार्यक्रम वे ही करती है। तो उसी के लिए हम ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम कराया जिसे हम और बड़े स्तर पे करना चाहते हैं आप सबके सहयोग से कि भाई महिलाएं हमारी माताएं बहनें हैं, ये सिर्फ एक चूड़ी पहनने के लिए नहीं है, वो आवश्यकता पड़े तो दुष्टों का गला काटने के लिए भी तलवार उठा सकती है। मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी का ये माता महिषासुर मर्दिनी के स्वरूप का पूजन अर्चन और शस्त्र पूजन किया गया है। माताओं बहनों को मार्गदर्शन मिला है, यहाँ पे बताया है। जो हमारी मुख्य वक्ता जो आई थी बहन सुयशा जी, अधिवक्ता हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट से, उन्होंने बताया किस प्रकार माताओं बहनों को अपनी सेल्फ डिफेंस सीखनी चाहिए। यहाँ तक कि मिर्ची पाउडर तक भी सेल्फ डिफेंस का एक बहुत बड़ा और कारगर हथियार है माताओं बहनों के लिए। तो उन्हीं विषयों को लेकर के आज ये कार्यक्रम था, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की बहनों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें।